डिश बनाने बताने जा रहे हैं। बच्चों की बहुत ही फेवरेट, बच्चों को बहुत ही मजा आएगा, बड़े भी इसे खा सकते हैं। एक चीजी क्रंची स्वीट डिश है। तो हम ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि ये अगर आप देखेंगे आपको पसंद आएगी तो आप इसे फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं इसकी सामग्री। ये स्पॉन्ज के कुछ 8 से 10 स्लाइसेस में करके रखे हैं हमने। ये मिक्स फ्रूट जैम है। ये चेरी है, कुछ 4 चेरी को हमने इस तरह बारीक काट लिया है। ये रोज़ सिरप है। ये चीज़ है। ये मारी बिस्किट है, कुछ 6 से 7 मारी बिस्किट है। ये भी 8 से 10 स्लाइस प्लम केक के है। ये कुछ ड्राई फ्रूट है जिसपे बादाम, काजू, पिस्ता, जिसे हमने बारीक मीडियम काट के रोस्ट कर लिया है। और यह है चॉकलेट सॉस। ये क्रीम है, वाइट क्रीम है। और ये सब बाउल है जिसमें हम बनाएंगे अभी। तो देखिए, हम इसे आप एक कोई कांच की बोतल में बना सकते हो, या फिर आप ग्लास में बना सकते हो, या कांच का कोई छोटे छोटे बाउल उसमें बना सकते हो। आज हम बनाएंगे, देखिए इस तरह की ग्लास की बोतल में बनाएंगे हम, देखिए। और इस तरह के छोटे छोटे ग्लास बाउल में हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्रीम यूज करके फ्लेवर्स बनाने हैं ये दो बाउल में। देखिए, इस तरह से हमने पहले क्रीम डाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी दोनों बाउल में। और इसमें भी इसी तरह हमने क्रीम यूज़ कर लेनी है। बस इसके बाद हमने इसमें फ्लेवर डाल देने हैं। एक में हमने डालना है चॉकलेट का फ्लेवर, और दूसरे में हम यूज़ करेंगे रोज़ का फ्लेवर। दोनों फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और ये दोनों हेल्दी भी है। अब हम इसे अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसे थोड़ी चम्मच से इस तरह से मिला लीजिए। देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया हो गया है। इसी तरह हम चॉकलेट वाले को भी मिला लेंगे। देखिए, चॉकलेट और रोज़, हमारे दोनों फ्लेवर रेडी हो गए। आइए, सबसे पहले हम बिस्किट को, हमारे ये छोटे छोटे हैं इसलिए हमें इसमें क्रंच करके ही डालना है सब कुछ। इस तरह से हम बिस्किट को डाल देंगे क्रंच करके नीचे बेस में। चारों में हम इस तरह से बिस्किट का पीसेस डाल देंगे। देखिए, ये हमारी बिस्किट हैं। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। देखिए, बिस्किट्स हमने चारों में डाल दिए। अब हम क्रीम के फ्लेवर डालेंगे इसमें। देखिए, ये बिस्किट के ऊपर क्रीम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम इसमें क्रीम डाल देंगे। सब में हमारी रोज फ्लेवर की क्रीम डाल देंगे इस तरह से। ये हमारे क्रीम डाल के हो गई रोज फ्लेवर की। इसके बाद हम चॉकलेट फ्लेवर की क्रीम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी। देखिए, इसके बाद हम यह जो हमारा प्लम केक है चॉकलेट वाला, उसे हम डाल देंगे क्रश करके इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने हाथ से इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया। ये बहुत सॉफ्ट है, बड़ी आसानी से यह क्रश हो जाता है। केक बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, हम इसमें केक भी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम रोस्टेड ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसका क्रंच बहुत ही अच्छा आएगा खाने में। देखिए, इसके बाद हम वेनिला स्पॉन्ज केक डाल देंगे क्रश करके। देखिए, इस तरह से हम वेनिला केक भी क्रश करके डाल देंगे सबके ऊपर। देखिए, इसके बाद हम इसमें चीज डालेंगे। चीज बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो हम उसे पहले क्रश कर लेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे। हम उसे इस तरह एक ग्रेटर के सहारे
ग्रेट कर लेंगे, घिस लेंगे इस तरह से, जितना चाहो आप कर सकते हो। देखिए अब हम चीज़ ऊपर से इस तरह से सारे हमारे बॉटल और कप्स में डाल देंगे। देखिए अब हम इनके ऊपर से जैम डाल देंगे, मिक्स फ्रूट जैम। देखिए ये मिक्स फ्रूट जैम ही बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और ये बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये सबके घर में होता ही है, तो हमने इसलिए जेली नहीं बनाई, जेली में हमारा बहुत समय जाता है, तो इससे अच्छा हमने जैम यूज़ किया है। आप भी इस तरह से जैम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो गया और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर से फिर से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट का क्रंच बहुत अच्छा लगेगा इसमें। देखिए अब फिर से हम इसमें हमारा चॉकलेट वाला प्लम केक डाल देंगे, प्लम केक चॉकलेट वाला इस तरह से हम चारों में डाल देंगे। देखिए अब हम इसके अंदर स्पॉन्ज केक डाल देंगे हमारा वेनिला वाला। आइए अब इसके ऊपर से हम फाइनली चॉकलेट का सिरप डाल देंगे। इस तरह से हम हमारे चारों इसमें दो बॉटल और दो बाउल में ये सिरप डाल देंगे इस तरह से। देखिए अब फाइनली हम इसके ऊपर चेरी का लेयर देंगे, चॉप्ड बारीक काटी हुई फ्रेश चेरी। देखिए चेरी बहुत टेस्टी होती है और इसका लुक भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से हम चारों के ऊपर हमारी फ्रेश चेरी डाल देंगे और अब लास्ट में हम इसके ऊपर वापस ड्राई फ्रूट डाल देंगे, रोस्टेड ड्राई फ्रूट। देखिए ये कितना बढ़िया हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए ये कितनी जल्दी फटाफट बन गया, ये बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे, खास तौर पे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत न्यूट्रिशियस है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। देखिए ये फटाफट हमारी फूड गुरु होममेड पेस्ट्रीज बनके तैयार हो गई। आप देखिए इसे इस तरह से आराम से खा सकते हैं। आप इसे ढक्कन लगा के इस तरह से फ्रिज में रखिए, कुछ फ्रीजर में कुछ आधा घंटा 15-20 मिनट एकदम चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ये खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसे इस तरह आप बाहर भी ले जा सकते हैं बच्चों के लिए, कहीं भी जा रहे हो पिकनिक पे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। तो देखिए आप ये घर में ट्राई कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि उनको भी हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अगली रेसिपी में फिर से मिलती हूँ। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।